हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरजिक्स पे। दोस्तों आज मैं Redmi Note 5 Pro के फेस अनलॉकिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर आप बड़े आराम से जो है फेस अनलॉक को इनेबल कर सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप इस फोन को बाय करेंगे, बाय करने के बाद अनबॉक्स करेंगे और पहली बार बूट करेंगे, तब आपको फेस अनलॉकिंग का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके फोन को जो है डेटा के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, वाईफाई या फिर नॉर्मल आपके फोन डेटा के साथ। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ओटीए अपडेट आएगा कुछ इस तरीके का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि होगा 9.2.4.0 का। और यहाँ पर जो स्टेबल वाला वर्जन है 1.6GB का अपडेट आएगा। यहाँ पर आप देखते हैं फेस अनलॉकिंग लिखा गया और यहाँ पर मूवमेंट सिस्टम वगैरह लिखा गया है, तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपको अपडेट नहीं देखने को मिलता है तो आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद अबाउट फोन में आना है। अबाउट फोन में आने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम अपडेट पे आना है और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपको जो एक अपडेट मिल जाएगा। और जैसे अपडेट मिल जाता है आप सिंपली अपने फोन को अपडेट कर लीजिएगा 1.6GB का जो आपका डेटा लेगा। अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे आना है और उसके बाद जो है यहाँ पर लॉक एंड स्क्रीन पासवर्ड पे आना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मैनेज फिंगरप्रिंट के नीचे ही मिल जाएगा ऐड फेस डेटा का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है पासवर्ड वगैरह जो आपने दिया होगा वो आप दे दीजिएगा। अगर आपने नहीं दिया है तो यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा, आप क्रिएट कर लीजिएगा। तो मैंने पासवर्ड देकर रखा था तो यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा। ओपन के बाद यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर जो आपका इस तरह का जो है कुछ ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर अपना फेस देना है। तो यहाँ पर मैंने अपना फेस दे दिया और यहाँ पर देखते हैं फेस जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गया है। ये बेसिकली एक इमेज कैप्चर करता है आपके फेस का, ये जो है कुछ इस तरीके से ही वर्क करता है, 2D की तरह ही है, ये जो है 3D की तरह वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको डन करना है। डन करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं जो है कुछ इंप्रूवमेंट्स वगैरह लिखे गए, यहाँ पर आप डिलीट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर अनलॉक यूजिंग फेस डेटा दिया गया है, अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो फेस डेटा जो है यूज नहीं होगा आपका। और यहाँ पर अलाउ फेस अनलॉक टू स्क्रीन लाइट अप, आप इसे अगर ऑन करते हैं तो ये जो है बेसिकली सभी तरह ऑन कीजिए या फिर ना ऑन कीजिए, दोनों तरीके से ही काम करेगा। तो फेस अनलॉकिंग कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका फोन लॉक है, आप अगर ऐसे देखिएगा अपने फोन की तरफ तो अनलॉक नहीं होगा, आपको लाइट अप करना पड़ेगा, उसके बाद आप देखिएगा तो अनलॉक हो जाएगा। देखते हैं जादू, यहाँ पर देखते हैं जादू, तो यहाँ पर जो है काफी अच्छे तरीके से वर्क कर जाता है फेस अनलॉक। यहाँ पर बस देखने की देरी है और यहाँ पर काफी फास्ट काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं। पर फिर भी मुझे जो है एक कमी लगी, यहाँ पर आपके स्क्रीन को लाइट अप करना पड़ता है तब जाकर फेस जो है डिटेक्ट लेता है। यहाँ पर जो है नॉर्मली आपका फोन लॉक है और यहाँ पर डिटेक्ट करता तो काफी मजा आ जाता। इससे बढ़िया तो मुझे फिंगरप्रिंट लगता है, अगर मैं अपने फिंगरप्रिंट को दूंगा तो वो जो है इससे बढ़िया वर्क करेगा। और यहाँ पर जो है आपको लाइट अप बार बार करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो बिना लाइट अप के वर्क कर जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं फिंगरप्रिंट बिना लाइट अप का वर्क करता है। तो अगर आपको फेस डेटा अनलॉक करना है तो आप कुछ इस तरीके से जो है फेस डेटा दे सकते हैं। और अगर आपको फिंगरप्रिंट पसंद है तो फेस डेटा को गोली मारिए, मुझे तो फिंगरप्रिंट पसंद है, क्योंकि बार बार पावर बटन प्रेस करके कौन अनलॉक करेगा, आपको सिंपली जो है फिंगरप्रिंट देना है और अनलॉक कर लेना है। यहाँ पर जो आपका समय भी बचेगा और कभी कभार जो ये फेस को नहीं लेता है काफ़ी लो लाइट कंडीशन में, हालांकि जो है मैक्सिमम ये जो है ले लेता है पर एकदम लो लाइट कंडीशन में ये नहीं ले पाता है। ऑब्वियसली जो इसका फेस अनलॉक जो है वो मैंने काफ़ी टेस्ट किया है, काफ़ी बढ़िया है, आप ज़रूर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर इस फ़ोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।